वेलकम इन ड्रीम हाई अकेडमी ड्रीम हाई अकेडमी में आपका स्वागत है सेलेक्शन ऑफ क्लास फोर्थ एम्प्लॉज़ ग्रेजुएट्स प्रोज पोस्ट ग्रेजुएट्स अनलाइकली टू बी कंसिडर्ड अर्ली टाइम्स की तरफ से ये रिपोर्ट है पब्लिश की गई है यहाँ पे देख सकते हो आप डेट ये फोर्थ ऑफ जून 2021 थाउजेंड इक्कीस का है ट्वेंटी ट्वेंटी वन अर्ली टाइम्स ने पब्लिश किया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की इन्होंने लिखा क्या है इनका कहना है

क्वालिफ़ाई किया है टेंथ और ट्वेल्थ वालों ने उनको ही अलाउ किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट graduate और ग्रेजुएट्स ने जिन्होंने इस क्वालिफ़ाई किया इस एग्ज़ाम को इंट्रेंस को उनको अलाउ नहीं किया जाएगा अब यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट कहा है एक वैलिड पॉइंट कहा है मुझे लगता है यहाँ पर जैसे कि आ, इन्होंने कहा है कि अगर जेके एस ने और गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम लोग फिफ्टी जॉब जो है वो प्रोवाइड करेंगे फॉर कश्मीरी यूथ के लिए फ़ार जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए और उसमें से जब ग्रेजुएट्स इसमें अगर वो सिलेक्शन उनकी होती है लेकिन कभी कभार वो ऐसा भी कर सकते हैं वो आगे जाके फिर अप्लाई करेंगे फिर से जहाँ पे ग्रेजुएशन होगी वहाँ पे वो अप्लाई करेंगे और ये क्लास फोर्थ की पोस्ट जो है वो फिर से वैकेंट रहेंगे तो इनका इस तरह सा कहना है यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे यहाँ पे एमिड स्पेकुलेशंस रिगार्डिंग प्रपोजल फॉर ऑफ़ ड्रॉपिंग ऑल द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्राम द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ़ द क्लास फोर सोर्स इन द ये सोसज की तरफ से इनको बताया गया है अर्ली टाइम्स की तरफ से और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो भी रूल्स थे एस ओ वन एटी फोर ऑफ़ फोर्थ ऑफ जून मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग क्लास फोर पोस्ट जो थी मेट्रिकुलेशन थी और मैगजम जो थी क्लास टेंथ थी ए लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन हैव क्वालिफाइड द इंट्रेंस टेस्ट विद uh, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड स्कोरस एंड देयर आर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ देम फॉलोइंग इन द सिलेक्शन लिस्ट Uh, इनका ये कहना है बट जे के सिस बी इज़ लाइकली टू ड्रॉप ऑल दोज कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास भी हायर क्वालिफिकेशन अर्ली टाइम्स की तरफ से कहा गया है कि उनको जो है वो ड्रॉप किया जाएगा वेल ओनली द कैंडिडेट्स हैविंग मैनी मैगजम ऑफ क्लास ट्वेल्थ क्वालिफिकेशन विल बी अलाउड टू कंपीट फॉर पोस्ट इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट सोर्स एड और यहाँ पे एक जो चीज़ उन्होंने कही है जो बात उन्होंने कही है मैं यहाँ पे दोहराने वाला उस चीज़ को एक्सप्लेनिंग रेशन ऑफ ड्रॉपिंग ऑल दोज

स्टूडेंट्स uh, के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए खास तौर पर जो टेंथ प्लस टू जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है फिफ्टी थाउजेंड पोस्टस ऑफ वेरियस कार्डर्स आउट ऑफ दिस पोस्टस दिस सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विथ क्लास ट्वेल्थ एज देयर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इज़ ओनली एलिजिबल इनका कहना है कि अगर फिफ्टी थाउजेंड गमेंट ने जॉब्स देने का वादा किया है और फिफ्टी थाउजेंड में सिर्फ यही एक पोस्ट ऐसा है यही एक यही एक रिक्रूटमेंट है जिसमें जो है वो जे कि एस और ये भी कहना है कि जितनी भी जिनके भी क्वालिफिकेशन टेन प्लस टू है वो इन ग्रेजुएट्स पोस्ट में एलिजिबल और वो ग्रेजुएट पोस्ट में एलिजिबल नहीं होंगे Uh, और फिर अगर उन्होंने यहाँ पे उनको सिलेक्शन की गई तो फिर वो बाकी जो पोस्ट से जो जे के सी बी जो है नोटिफाई करेगा एडवर्टीजमेंट निकालेगा उनकी तो वो जाके उसमें भी वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं तो ये जो पोस्ट से ये वैकेंट रहेंगे जी हाँ ये फिर से वैकेंट रहेंगे ये पोस्ट यहाँ पर लिखा गया है फॉर हैव द रिमेनिंग पोस्ट टू अप्लाई फॉर उनका अबाउट द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास दैट एमपावर द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स

ऑफिशल की तरफ से यानी कोर्ट जजमेंट से जजमेंट से तो रिस्ट्रिक्ट uh, और इसमें उन्होंने फिर रिस्ट्रिक्ट किया है इंट्री ऑफ हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम इन सेलेक्टिंग ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर क्लास फोर्थ जॉब सपोज इफ दीज हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड फॉर क्लास फोर्थ मैक्सिमम ऑफ देम विल बी Definitely appear for graduate level पोस्ट and if selected will leave जे की क्लास फोर्थ पोस्ट इनका कहना है कि जो मैंने बात पहले ही कहा कि क्लास फोर्थ पोस्ट में अगर उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा तो आखिर में जो ग्रेजुएट्स है वो फिर से जो है वो बाकी पोस्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे और ये पोस्ट जो है वो क्लास फोर के वैकेंट रहेंगे इनका इन द इन दिस वे मैक्सिमम ऑफ क्लास फोर पोस्ट विल अगेन फॉल वैकेंट एंड जे के एस एस बी विल हैव टू रीडो ऑल द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर क्लास फोर पोस्ट अगेन वायल द पर्पज ऑफ द सेलेक्शन प्रोसेस विल बी डिफ्यूटेड दफिशल सेट और यहाँ पे इनका कहना है कि There are many candidates who fall under various categories, such as EWS single child widow, additional marks, unemployment, besides other categories formulated by the government. The board is in the process of verifying the documents with due uh, diligence. टेकिंग इं टू अकाउंट दीज फैक्टर्स एज वेल एज रेशियो वन इज़ टू फोर जी हाँ वन इज़ टू फोर के तहत कैंडिडेट्स को जो है वो वो जो सेलेक्शन की जाएगी यानी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वन इज टू फोर दो द बोर्ड विल डू प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन चेयरमैन सेड ये चेयरमैन का कहना है कि जो है अभी भी ये जो वेट कर रहे हैं और साफ जो निकल के यहाँ पर आ रहा है जो अर्ली टाइम्स ने यह पब्लिश किया है कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा ओवर द क्वेश्चन ऑफ ड्रॉपिंग ऑल द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स फ्राम द फाइल सिलेक्शन लिस्ट द चेयरमैन सेट दैट द बोर्ड इज एंगेजड इन अदर वर्कस एंड सो फॉर नॉट रीचड टू दैट स्टेज एंड वैन द टाइम वुड कम द बोर्ड वुड टेक द डिसीजन यानी अब तक बोर्ड का ये डिसीजन नहीं हुआ है लेकिन आ, जो है वो न्यूज़ में ये कहा गया है कि ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो चेयरमैन ने कहा है कि over the question of dropping all the uh, graduates and post graduates from the final selection list, so the chairman said that the board is engaged in other works and so far not reached it. The board अब तक in जो है वो बाकी कामों में busy है और इन कामों की तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया है। तो एक ये positive point यहाँ पे नजर आ रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये कहानी चलती है। Thank you very much.